बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने प्रोग्राम लाइफ एंड फूड विद क्रिस के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। तो चलें आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ़िश बिरयानी। और इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए उनमें मैंने यहाँ पर फ़िश ली है, ये बोन के साथ मैंने फ़िश ली है। आप चाहें तो विदाउट बोन भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 पाउंड के आसपास मेरे पास फ़िश है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लेमन जूस लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये वो मसाले हैं जिनसे हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। सूखा धनिया है मेरे पास, कोरिएंडर पाउडर पाउडर फॉर्म में, रेगुलर जो लाल मिर्ची होती है उसका पाउडर है मेरे पास। कोरिएंडर पाउडर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर है मेरे पास एक टेबल स्पून। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। नमक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। पेपरिका है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास क्यूमिन पाउडर है, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला पाउडर भी मेरे पास है 1 टेबल स्पून। अब हम सबसे पहले लेमन जूस के साथ इन सब मसालों को मिक्स करेंगे और फिर उसमें फ़िश को हम मैरिनेट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम सारे जो मसाले मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले लेमन जूस हम डाल देंगे इसमें, और ये बक्के सारे मसाले ये भी इसमें चले जाएंगे। पेपरिका, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। नमक और जो मिर्च है वो अपनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा जो ये मसाला है थोड़ा आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी इसमें, ये ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन हम इसमें, क्योंकि हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है जिस तरह हम चिकन टिक्का के लिए बनाते हैं, तो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून में इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिश पेस्ट अप्लाई करेंगे। मसाला हमारा रेडी है, अब हम इसमें फ़िश डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से इस पे मसाले को फिश पे अच्छी तरह से लगा देंगे। जी तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से जो फिश थी उस पर मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए हमने रेस्ट देना है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से फिश में एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक हमारी जो फ़िश है वो मेरीनेट हो रही है, तो हम जल्दी से जो हमारी फ़िश बिरयानी है उसकी जो ग्रेवी है उसकी तरफ जाते हैं, उसे रेडी करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ऑयल मैंने 1 कप गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें मेरे पास ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 बड़ी इलायची, 4-5 दाने काली मिर्चों के हैं, और 8 से 10 दाने मैंने लौंग ली है, ये डाल देंगे। इसे थोड़ा सा भूनेंगे हम ऑयल में। अब हम इसमें डालेंगे ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। इसका जो मछली की जो बिरयानी की जो ग्रेवी तैयार की जाती है बिल्कुल स्मूथ सी होती है। हम आम बिरयानी की तरह उसमें बड़े बड़े प्याज और टमाटर नहीं काट के डालेंगे, तो इसे हम अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, ये मेरे पास तकरीबन ये 4 लार्ज साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, इनको मैंने बारीक बिल्कुल आप देख सकते हैं इन्हें मैंने चॉप किया है, लेकिन बिल्कुल ये पेस्ट भी नहीं है, लेकिन टमाटर जैसे बिल्कुल बारीक हो चुके हैं।
अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और 2 टेबल स्पून ये है मेरे पास पेपरिका, ये डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जी व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। अब आप इसके साथ में हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा पानी साथ में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने भूनना है इसे अदरक लहसुन के साथ। जी व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस मसाले में डालेंगे बिरयानी मसाला, जो मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे दही, तकरीबन 1 कप मेरे पास दही है, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। दही डाला है मैंने इसलिए ताकि थोड़ा सा ऐसी ग्रेवी जो है थोड़ी सी हमारी थिक होगी। इसे हम भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो दही है उसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से मसाले में वो भून जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। दही डालने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने टमाटर रखे थे, नमक और पेपरिका मिक्स करके, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना। साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो कटा हरा धनिया है मेरे पास, और बिल्कुल बारीक चौपकी हुई बेल पेपर है ग्रीन वाली, वो हम डाल देंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस पे हम ढक्कन लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसे भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट के बाद आप मुझसे मिलते हैं, जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है वो भी रेडी होने के करीब होगी। तो मिलते हैं आपसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑयल सारा ऊपर आ गया, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये आलू बुखारे, मेरे पास 5 अदद ये मैंने भिगो के रखे थे, ये डाल देंगे। साथ में तकरीबन हम 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें। इसे हम तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो 5 मिनट हम इसे मज़ीद पकाते हैं और हम चलते हैं अपनी फ़िश की तरफ। वो मेरीनेट हो चुकी है और हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम जो फिश है उसे हम फ्राई करेंगे। 2 घंटे हो चुके थे उसे,
मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है और तकरीबन 80% तक हमने इसे कुक करना है, क्योंकि इसे जब हम दम पे भी रखेंगे तो पूरा हमने इसे कुक नहीं करना है, 80% तक हमने कुक करना है इसे। जैसे हम आम फिश फ्राई करते हैं बिल्कुल वही इसका तरीका है। सिर्फ हमने ये देखना है कि 80% तक ये कुक हो, तो ये तकरीबन 6 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। तो जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं और उन्हें बॉईल कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो चावलों के लिए मैंने पानी रखा है और अब हम इसमें डालेंगे ये 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, थोड़े से मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ये डाल देंगे। ये नमक है मेरे पास तकरीबन 2.5 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। केवरा वाटर मैंने डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इसे हम अब ढक्कन लगा देंगे और बॉयल आने पे फिर इसमें जैसे जो तरीका है हमारे चावल बॉयल करने का बिल्कुल वैसी तरीके से ही हम चावल बॉयल कर लेंगे। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। जी व्यूअर, तो ये फिश हमारी आप देख सकते हैं फ्राई हुई है और मैंने इसे निकाला है। ये तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट लगे हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है और बक्के में जो फिश है वो भी मैंने डाल दी है अपनी। तो अब हमारे जो चावल हैं हम उन्हें देख लेते हैं कि वो बॉयल हो गए हैं, तो फिर चलते हैं इनको सब चीज़ों को रेडी करते हैं जल्दी से अपनी फ़िश बिरयानी। जी व्यूअर्स, तो चावल भी बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसे असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे जो पेंदे के जो नीचे हम जी व्यूअर्स, तो हमारे सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसे असेंबल करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा कढ़ाई है इसमें हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे नीचे, उसके बाद हमने इसमें चावल डालने हैं, चावलों की तेल डालनी, सालन जो बनाया था वो डाल देंगे इस पे। ऊपर से जो फिश थी वो हम रखेंगे इस पे। थोड़ा दूर दूर आपने रखनी। ऊपर से दोबारा हम चावल डालेंगे, इसी तरह से हमने इसे कंटिन्यू करना है। जी व्यूअर, तो ये तहें कंप्लीट हो चुकी हैं, ऊपर से 2 पीस बचते थे हम इस तरह से ऊपर रख देंगे और फूड कलर है मेरे पास वो डाल देंगे इस पे। तो इसे हम दम पे रखते हैं और तकरीबन हम आधे घंटे बाद आपसे मिलेंगे जब इसे अच्छी तरह से दम आ जाएगा। जी व्यूअर, तो हमारी फ़िश बिरयानी बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल को देखती रहिए और इसकी पज़ीराई करते रहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।